हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर कुमार वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन। आज हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशंस के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी के स्टोरीज़ को देखा, समझा वहाँ के किस तरह के गवर्नमेंट्स थे, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चियल गवर्नमेंट हुए। फिर हम लोगों ने फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, है ना, आज़ाद करवाया। हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा, हमने इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा, हमने ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ा। ये सब तो एक स्टोरी टाइप का था, हो गया। हमने देश को आज़ाद भी करा दिया, हमने एक देश को यूनिफाइड करने में एक योगदान दिया। अब बात आती है कि राष्ट्र तो बन गया, लेकिन अब उस राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, है ना, इन द केस ऑफ ब्रिटेन में, एस्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लोगों को यूनिफाइड किया गया। देश का यूनिफिकेशन हो गया और अब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने लोगों को नेशन के साथ जोड़ा। अब इस वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से अब एक राष्ट्र को उसकी पहचान दी गई, उसकी आइडेंटिटी दी गई, है ना, किस तरह से एक राष्ट्र को उसका एक फिगर मिला, उसका एक आइडेंटिफिकेशन फिगर मिला, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। सो दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू रीड इन दिस टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हेयर यू कैन सी, जैसे ही हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स के मन में, उनके दिमाग पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज हाउ डज वन गिव अ फेस टू अ नेशन। अब भाई, किसी राष्ट्र को एक चेहरा देना ये कैसे संभव है? सपोज जैसे कि इंडिया इज अवर कंट्री, है ना, भारत हमारा देश है। अब भारत का एक फिगर कैसे देंगे? भारत देश को एक आइडेंटिफिकेशन फिगर, एक फेस जो है, एक चेहरा जो है, वो हम उसे कैसे देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब कोई व्यक्ति तो है नहीं। सपोज डैट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मी। मैं, दिस इज अमर कुमार एंड दिस इज माय फेस, दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो जस्ट उसी तरह अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक नेशन को एक फिगर देने की। तो यहाँ क्वेश्चन यही बता रहा है कि ये किस तरह से संभव है कि हम नेशन को एक फेस दें। सो ड्यूरिंग एटींथ एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि आर्टिस्ट फाउंड अ वे आउट ऑफ पर्सोनिफाइंग अ नेशन। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि जो आर्टिस्ट थे, है ना, वो नेशन को एक फिगर देना, एक फेस फिगर देने में लग गए। कैसे? अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल। द नेशंस वेयर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर विच डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन द रियल लाइफ। अब नेशन को पोर्ट्रेट किया गया, यानी कि उसको एक पहचान दी गई, किस रूप में? फीमेल फिगर के रूप में। अरे वाह, क्या मजेदार बात है। एक तरफ तो हम फीमेल्स को इक्वलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, है ना, उनको हर अपॉर्चुनिटीज़ से, मैं अभी बात कर रहा हूँ कहाँ, यूरोपियन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, यूरोपियन रिवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज़। वहाँ हम लोगों ने फ्रांस में भी पढ़ा, जर्मनी और इटली के केस में भी पढ़ा कि वहाँ पर फीमेल्स को जो है वो कई तरह के, उन पर पाबंदियाँ थी, उनको इक्वलिटीज़ नहीं दिए जा रहे थे, उनको पुरुषों के मुकाबले पीछे रखा जा रहा था। और अब जब बात आई नेशन को एक आइडेंटिफिकेशन फेस फिगर देने का, तो लो भाई, हमने क्या किया, हमने एक फीमेल फिगर को चुना। विच डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन। अब ये जो फीमेल फिगर की बात कर रहे हैं, ये कोई एक खास किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, किसी महिला के साथ नहीं है, है ना,
इट डज नॉट एक्सटेंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ रेदर इज साउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन इन द कॉन्क्रीट फॉर्म। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ऑफ नेशन को सामने रख रहे हैं, किसके थ्रू, एक फिगर के थ्रू, एक फेस के थ्रू, और उस फेस के रूप में हमने किसके यूज़ किया है, फीमेल का। फीमेल फिगर बिकम एलेगरी ऑफ द नेशन। फीमेल फिगर क्या है, तो फीमेल फिगर को हम लोग ने क्या किया, एलेगरी। एलेगरी मीन्स हम कह सकते हैं कि एक नाम देने का कोशिश किए हैं, एक पहचान देने का कोशिश किए हैं, कह सकते हैं कि हमने एक आइडेंटिफिकेशन दिया किसको, एक नेशन को, किस रूप में, फीमेल फिगर के रूप में। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया में क्या है कि हम लोगों ने अपने राष्ट्र को अपने आइडियाज़ के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया भारत माता के रूप में, है ना। हमने अपने देश को क्या कहा, एक माता, है ना, उसको हमने रेस्पेक्ट दिया, उसको हमने पूजनीय माना, अपने देश को, अपने कंट्रीज़ को, और उसके आइडेंटिफिकेशन में उसको हमने क्या शेप दिया, भारत माता का, है ना, लेडीज़ गॉडेस के रूप में। उसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हो कि फीमेल फिगर जो है वह एक एलेगरी, है ना, एक पहचान के रूप में, एक नाम के रूप में यूज़ किया गया नेशन के लिए। फीमेल एलेगरी वॉज यूज्ड टू पोर्ट्रे द आइडियाज़। फीमेल एलेगरी का उपयोग किया गया था बस अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने नेशंस के साथ जोड़ने के लिए, अपने नेशंस के साथ एसोसिएट करने के लिए। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को नेशन के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। सच एज लिबर्टी, किस फेस में, किस तरह से, किस रूप में, लिबर्टीज मीन्स फ्रीडम के रूप में, है ना, जस्टिस के रूप में, और रिपब्लिक्स के रूप में। कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रांस, है ना। जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के विषय में पढ़ा था, और इसके बारे में कुछ हम लोग सिंबल्स भी यूज़ किए थे। लिबर्टी इज एट्रिब्यूटेड एज रेड कैप। आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि वहाँ लिबर्टीज, जब स्लैब्स, जो स्लैब्स हुआ करते थे, जब उनको फ्रीडम दे दिया जाता था, तो वो पहचान के रूप में, पहचान के रूप में वो क्या करते थे, अपने सिर पर एक लाल रंग की टोपी यूज़ करते, और द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन कहने का मतलब है कि अब हम पाबंदी में नहीं हैं, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं, तो ये एक सिंबल का यूज़ हुआ। वेल जस्टिस, जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेडिंग स्केल। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, सीरियल्स में दिखाया जाता है, जब कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है, कुछ इस तरह का सीन होता है, तो वहाँ आप देखते हैं जज के साइड में एक फीमेल फिगर बना रहता है। तो वहाँ हम लोग उस फिगर के रूप में क्या देख रहे होते हैं कि वहाँ एक, वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि एक फीमेल फिगर है, है ना, एक लेडीज़ है जिसके आँखों में पट्टी बनी हुई है। हम उस फीमेल फिगर को एक नाम दिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कानून की देवी कहते हैं। तो देखिए, एक आइडेंटिफिकेशन हुआ, है ना, एक फिगर का हम लोगों ने नेम दिया, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके एक हाथ में क्या है, तराजू है, आँख में पट्टी बंधी हुई है, और एक हाथ में तलवार है। वो फिगर जो है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किस विषय को बता रहा है, वो बता रहा है जस्टिस को। वो आँख में पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि वो सभी को इक्वल समझती है, किसी को अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, है ना, गोरा काला, महिला पुरुष, इस तरह का कोई भेद नहीं है, मेरे सामने सभी के सभी क्या है, इक्वल है। तराजू का मतलब है कि सभी को इक्वल मापना, ठीक है। और तलवार हाथ में होने का अर्थ ये है कि वो, अगर आप गलत हैं तो जस्टिस के रूप में आपको पनिश भी करेगी, ठीक है। तो ये एक उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, इस तरह से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। सो जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग ग्लास। आई होप अप टू हियर यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ द आर्टिस्ट हैज ट्राइड टू गिव अ पर्सोनिफिकेशन टू अ नेशन। इसे मैं कुछ और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग, मैंने अभी क्या बोला, किसी भी नेशन को एक आइडेंटिफिकेशन देने का। अब सपोज डेट, कभी आपने देखा होगा ओलंपिक के गेम्स होते हैं, या कभी कोई आईसीसी
के इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ आप लोग देखते हो ओलंपिक गेम्स में एक एथलीट जो है वो आगे चल रहा होता है और उसके हाथ में क्या है, उसके नेशन का, उसके देश का झंडा होता है। तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो वहाँ ये दर्शा रहा है कि डैट आई एम द पर्सन हु इज़ एसोसिएटिंग आवर नेशन, मैं अपने देश को एसोसिएट कर रहा हूँ, मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो झंडा वो लिया हुआ रहता है, जैसे हमारे देश का झंडा जो है वो जो ट्राई कलर तिरंगा है, उससे उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के साथ जो और दूसरे एथलीट चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ एक आइडेंटिफिकेशन मिला। अब सपोज डेट जो ओलंपिक के गेम्स हो रहे हैं किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहे हैं या किसी दूसरे एशियन कंट्रीज़ में हो रहे हैं, जहाँ हो सकता है कि लोग आपको नहीं जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं या और दूसरे एथलीट्स को नहीं जानते हैं, और अगर मैं वहाँ पर अपने देश का, अपने राष्ट्र का ध्वज लेकर के कैरी करता हूँ, लीड करता हूँ, तो लोग जो है वो मुझे नहीं जान रहे हैं बल्कि उस फ्लैग के द्वारा मेरे राष्ट्र को जान रहे हैं, मेरे राष्ट्र की पहचान बन रही है वहाँ पर। तो इस तरह से ये एक आइडेंटिफिकेशन मिला, हमारा देश को एक पहचान मिला, किसकी वजह से, उस ट्राइकलर फ्लैग की वजह से। उसी तरह जब आप लोग करेंसीज यूज़ करते हैं, जैसे इंडियन करेंसीज हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ हम लोग 100 रुपीज़, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज़ का नोट ले सकते हैं, तो 100 रुपीज़ के नोट्स में आप लोग देखे होंगे गांधी जी की चित्र बनी होती है ना। तो डैट पर्सन, जिसको हम लोग फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, That person has given as a face to our nation, identification to our nation. Suppose that we are in Australia or any American countries or European countries में हम लोग अभी हैं, और अगर वहाँ पर मैं है ना किसी को 100 रुपीज़ का नोट दे रहा हूँ, 200 रुपीज़ का नोट दे रहा हूँ या 500 रुपीज़ का नोट दे रहा हूँ, और उस पिक्चर पर है ना महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ है, तो उससे वो व्यक्ति ये कह सकता है, ये पहचान उसको देखकर ये पहचान सकता है, ये कह सकता है कि दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया, है ना। क्यों, वो कैसे समझाए, बिकॉज ऑफ दैट फिगर ऑफ महात्मा गांधी। तो उस फिगर से राष्ट्र के पहचान मिला, राष्ट्र को एक आइडेंटिफिकेशन मिला। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग फर्दर टू द एलेगरी ऑफ फ्रांस। अब हम लोग जो है यहाँ एलेगरी ऑफ फ्रांस, यानी कि अब फ्रांस में हमने एक फीमेल फिगर को जो लिया उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको एक फेस के रूप में वो जानेंगे। अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ द पीपल्स नेशन, इसमें क्या है, लोगों के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किए, लोगों के आइडियाज़ को सामने रखा गया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो आप फिगर में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फिगर के रूप में है ना, इट इज़ यूज्ड एज द एलेगरी ऑफ द फ्रांस। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड केप, द ट्राइकलर एंड द कॉकेट। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब है कि उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका पहचान, उसकी पहचान किस चीज़ से है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था महात्मा गांधी के विषय में, तो महात्मा गांधी का ड्रेस कोड क्या था, वो एक धोती पहना करते थे, अपने शरीर में उनका कुछ रहता नहीं था, धोती रहता था, हाथ में लाठी लिए हुए रहते थे, तो ये क्या था, उनकी आइडेंटिटी थी, है ना। इससे लोग वो जानते थे, तुरंत पहचान सकते थे कि नो दिस पर्सन इज महात्मा गांधी। उसी तरह से है ना, यहाँ हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पहचान के रूप में हम लोग देखेंगे लिबर्टीज रिपब्लिक्स में द रेड कैप, है ना, जो फीमेल फिगर आप देख रहे हो, इस फीमेल फिगर में आप वहाँ पर रेड कैप देखेंगे। ट्राई कलर जो होगा, है ना, जो कि राष्ट्र के फ्लैग को, नेशन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द कॉकेट, कॉकेट जो है वो एक बैच की तरह है जो लेडीज बाल में लगाती है ना, बालों को पकड़ने के लिए, तो डैट इज़ द कॉकेट यूज्ड हेयर। अ कॉमन क्रिश्चियन नेम मैरियाना, है ना, एक कॉमन क्रिश्चियन नेम है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, डैट इज़ वेरी पॉपुलर इन फ्रांस। वेयर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर, इस फिगर को एक पब्लिक स्क्वायर में एक स्टैचूज के रूप में रखा गया, टू रिमाइंड द पीपल ऑफ द नेशनल सिंबल, उसको नेशनल सिंबल्स के रूप में यूज़ किया गया। जैसे कि हमारे देश में हम अपने कंट्रीज में नेशनल सिंबल्स के रूप में हमें अशोक स्तंभ का उपयोग करते हैं, हम लोग सिंबल के रूप में अपने फ्लैग का, अपने ट्राइकलर तिरंगा का उपयोग करते हैं, हम लोग सिंबल्स के रूप में महात्मा गांधी जी का उपयोग करते हैं नोट में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टैम्प में देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नेशनल सिंबल्स जो हैं वो वहाँ
यूनिटीज़ के लिए यूज़ किए गए एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ देम। और इसी से है ना, इसी सिंबल, इसी नेशनल सिंबल्स के थ्रू उस देश को, उस देश में रह रहे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। मैरेने इज द इमेज वेयर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टाम्प्स। अब इस फिगर को वहाँ के कॉइन्स, वहाँ के स्टैम्प्स में भी दिए गए। जैसे कि आप इंडियन करेंसीज में देखते हो, उसमें महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ होता है ना। आप दूसरे कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, वहाँ का जो आइडेंटिफिकेशन के रूप में उनका फिगर है, वो उस करेंसीज में बने हुए होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इन द एलेगरी ऑफ द फ्रांस द आर्टिस्ट हैज़ गिवन ऑल दिस थिंग्स टू गिव अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट वन हियर यू कैन सी द एलेगरी ऑफ जर्मनी। अब हम लोग देखेंगे, हमने एलेगरी ऑफ फ्रांस पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एलेगरी ऑफ जर्मनी। सो एलेगरी ऑफ फ्रांस के रूप में हमने किसको देखा? मैरियाना को। और अब एलेगरी ऑफ द जर्मनी के लिए हमने एक अनदर है ना, वी आर यूजिंग अनदर फीमेल फिगर डेट इज कॉल्ड द जर्मेनिया। जर्मेनिया इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आप लोग यहाँ अभी चित्र में देख पा रहे हैं। सी वियर्स अ क्राउन ऑफ कोक लीव्स। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये एक लेडी जो है वो एक ओक लीव्स को वियर किए हुए हैं। क्राउन, क्राउन मतलब मुकुट के रूप में, मुकुट के रूप में अपने सिर पर धारण की हुई है। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर द हीरोइज्म। और ये जर्मन ओक जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हीरोइज्म को। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर आर सम अदर सिम्बल्स विच आर ऑल्सो यूज फॉर द विजुअलाइजिंग अ नेशन। सो लेट्स रीड ऑल दीज सिम्बल्स। फर्स्ट वन, एज यू कैन सी हेयर, इट इज़ गिवेन द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन मीन्स बींग फ्रीड। बींग फ्रीड यहाँ बता रहा है इस ब्रोकन चेन से कि डैट वी आर फ्री नाउ। हम लोग अब क्या हैं? आज़ाद हैं। सेकेंड पॉइंट यू कैन सी हेयर, द ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल्स। यहाँ जो है वो जर्मन एम्पायर को स्ट्रेंथ के रूप में है ना, जर्मन एम्पायर के स्ट्रेंथ को सिंबल के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द क्राउन ऑफ द ओक लीव्स विच रिप्रेजेंट द हीरोइज्म। एंड द नेक्स्ट वन इज द सॉर्ड विच मीन्स द रेडनेस टू फाइट। यहाँ सॉर्ड मतलब बता रहा है, यहाँ इस सिंबल से इसका अर्थ बनता है कि डैट वी आर रेडी टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड, लेकिन उस सॉर्ड के साथ ऑलिव ब्रांचेस भी दिए हुए हैं, जिसका सिंबल, जिसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस। यानी कि हम लोग युद्ध नहीं, युद्ध से पहले एक शांति प्रयास चाहते हैं, हम लोग शांति चाहते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, द ब्लैक रेड एंड द गोल्ड ट्राइकलर। दिस इज व्हाट? दिस इज गिविंग अ फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट्स इन 1848 एंड बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, जो बाद में इसको बैन कर दिया गया था जर्मन्स के द्वारा है ना, ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट्स के द्वारा। और लास्ट में आप देख रहे हो व्हाट, इन लास्ट यू कैन सी द राइजिंग, इन लास्ट यू कैन सी द रेज ऑफ राइजिंग सन विच इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो इस लास्ट पॉइंट से आपने ये देखा कि एक नए एरा का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, एक नए शुरुआत हो रही है। सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स यू ऑल हैव सीन हियर विच इंडिकेट सम मीनिंग्स, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, इन सिंबल्स का कुछ ना कुछ मतलब बनता है। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉक टुडे स्टूडेंट्स। दिस फाइनली आई जस्ट वांट टू से द स्टूडेंट्स दैट कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ाई पे ध्यान रखिए। कमिंग ईयर यू आर गोइंग टू फेस द बोर्ड एग्जामिनेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। सो मेरे वीडियोस को आप प्रॉपरली वॉच करें, एक एक पॉइंट्स को आप चाहे तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हो, अपने कॉपी पे नोट्स के रूप में आप उसे लिख सकते हो, बाद में आप उसको आसानी से पढ़ करके भी समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।